देखेंगे खूबसूरत तरीके का, बढ़िया तरीके का सारा काम मिलेगा। इस तरीके की कॉलोनी, शहर के अंदर के ऐसे घर, क्वालिटी वाइज मैंने बताया कि बहुत अच्छा घर है। इस तरीके के घर, इस तरीके की क्वालिटी के घर, ऊपर में सारा फॉल सेलिंग का, लाइट का। हमारे पास लखनऊ में अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग एरियाज में बहुत सारे घर। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित भदौरिया। आप लोग चाहते हैं कि शहर के अंदर में आपको घर मिले, वैसे घर हमारी कोशिश होती है कि आपके बीच में लगातार लेके आते रहें। आज जो घर लेके आए हुए हैं, चारबाग से मुश्किल से आपको 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको मिलेंगे। 780 स्क्वायर फिट के यहाँ पे दो घर आपको बने हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आसपास की कॉलोनी आप देख लो, सारी कॉलोनी आपको बसी हुई आपको नज़र आएगी। आसपास में सारे घर आपको बने हुए आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे 780 स्क्वायर फिट के पूरब दिशा के दो घर आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं। रोड बनी हुई है, नाली बनी हुई है। अंदर से किस तरीके से घर बने हुए हैं आपको हम दिखा देते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों ये घर आपको देखने के लिए आना चाहिए और क्यों इसे ख़रीदना चाहिए। अंदर से आके देखते हैं। अगर इसके घर की फ्रंट की बात करें तो 20 इसका आपको फ्रंट पड़ेगा और इसकी जो डेप्थ है वो 39-39 डेप्थ पड़ेगी। तो 20×39 780 स्क्वायर फिट के आपको घर आपको नज़र आ जाएंगे। दो घर मैंने बताया इस तरीके से बने हुए हैं। सामने में आप देखेंगे 20 फीट की आपको सामने रोड मिल जाएगी। ये आप देखेंगे कि पूरब दिशा के घर मिलेंगे। लोहे का बड़ा सा बढ़िया दरवाज़ा आपको मिलेगा। सेफ्टी ग्रिल आपको सामने दिखेंगे, पूरा सेफ्टी आपको ग्रिल आपको लगी हुई आपको नज़र आ जा रही है। यहाँ पे आप जो भी मीडियम साइज़ की गाड़ी होती हैं वो आराम से इसके अंदर आप पार्क कर सकते हैं। घर में अभी लास्ट फिनिशिंग चल रहा है, कुछ कुछ काम जो है वो अभी होना बाकी है, तो वो एक एक करके जैसे जैसे हम आपको चीज़ें दिखाएंगे वैसे आपको बता देंगे। राजाजीपुरम के बिल्कुल पास में है, बहुत नज़दीक में है। राजाजीपुरम से मुश्किल से 500 मीटर के डिस्टेंस पे ये घर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि ये आपका ड्राइंग रूम जो है, बड़ा सा आपको ड्राइंग रूम आपको मिल जाएगा। 13x10 का ये पूरा ड्राइंग रूम जो है, 13x10 का ड्राइंग रूम मिलेगा। ऊपर में सारा फॉल सेलिंग का, लाइट का सारा बढ़िया सा काम आपको मिल रहा है। वॉल पे देखिए पेंट वगैरह बहुत अच्छी तरीके का है। सारा क्वालिटी आप देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके की क्वालिटी का सारा काम आपको मिलेगा। डोर जो है इसमें मॉस्किटो नेट वाले डोर भी हैं और नॉर्मल वुडन के आपको सारे डोर मिलेंगे। इधर आपको बड़ी सी विंडो आपको मिल जाएगी। नेचुरल लाइट में किसी भी तरीके की आपको कोई भी कमी होने वाली नहीं है। खूबसूरत सा घर है, मजबूत घर है, बढ़िया घर है, अच्छी कॉलोनी में ये आपको घर मिलेगा। शहर के अंदर जो घर है वो आप इसको देख रहे हैं। दोनों घर जो बने हुए हैं सेम तरीके के बने हुए हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत आपको नज़र नहीं आएगी। इधर आप देखेंगे कि इधर बाकी इस तरफ आपको सारा ये डाइनिंग का एरिया है, यहाँ आपको POP का पूरा काम मिलेगा। पेंट वगैरह देखिए बढ़िया तरीके की सारी पेंट मिलेगी। लगभग ये 8 फिट का ये आपको डाइनिंग का एरिया चौड़ाई मिल जाएगी। लंबाई ये सामने आपको किचन, इस तरफ आपको किचन आपको मिलेगा। किचन जो है, किचन में एसेसरीज आपकी सारी लगा के मिलेंगी। मॉड्यूलर किचन आपको मिलेगा विद चिमनी, आपको मॉड्यूलर किचन ये पूरा बना के दिया जाएगा। ये बात आप अभी काम चल रहा है वो करके आपको दिया जाएगा। दोनों घरों में जो भी प्राइस मैं बताऊंगा उसी प्राइस के अंदर में, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इधर आप देखेंगे किचन में बड़ी सी विंडो दे रखी है। वेंटिलेशन में किसी भी तरीके की आपको कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। मटेरियल क्वालिटी सारा आपको बढ़िया नज़र आ जाएगा। अभी हमने जो इस तरीके के छोटे साइज के घर बेचे थे तो उसमें कोई भी 1.5 साल 2 साल हो गया, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आई है। ये आप देखेंगे रूम का जो साइज है, ये पहला बेडरूम है। इस बेडरूम के साइज की बात करें तो 10x10 का ये पूरा जो बेडरूम है ये आपको मिल जाएगा। ऊपर में POP का काम, लाइट का काम सारा आपको मिल जाएगा। डोर सारे लगे हुए हैं, ये आप देखेंगे पेंट वगैरह बढ़िया क्वालिटी का सारा काम आपको हो रखा है। लाइट वगैरह का सारा बढ़िया काम आपको इस पूरे घर में आपको मिलेगा। क्वालिटी वाइज मैंने बताया कि बहुत अच्छा घर है। फाइनल फिनिशिंग चल रही है, वो सारा आपको होके मिलेगा। एक डोर इस तरीके से है, दूसरा डोर आपको OTS की तरफ पीछे बाथरूम की तरफ आपका खुलता है। इस तरफ आके देख लो, ये आपको दूसरा जो बेडरूम है थोड़ा बड़े साइज में ये बेडरूम आपको मिल जाएगा। इसका साइज जो है 15x10 का है।
ये जो पहला बेडरूम था उससे बड़े साइज का आपको बेडरूम मिलेगा। पेंट वगैरह आप देखेंगे खूबसूरत तरीके का, बढ़िया तरीके का सारा काम मिलेगा। डोर वगैरह देखिए रखा हुआ है, इसमें अभी लगना है वो आपको लगा के मिलेगा। ऊपर में लाइट का, पीओपी का सारा काम मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा काम आपको होके आपको मिल रहा है। खूबसूरत तरीके का ये पूरा घर जो है, अगर आप बात करें तो ये कम बजट में भी घर है लोकेशन वाइज देखते हुए। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये OTS का एरिया है, 4 फीट इसकी चौड़ाई है, 3 फीट इसकी ये आपकी लंबाई हो गई। OTS अभी ढका हुआ है, बारिश का मौसम है तो इसको ढक के रखा हुआ है। इस तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बाथरूम जो है इंग्लिश स्टाइल का, आपको बाथरूम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सारी एसेसरीज बाथरूम में आपको लगा के मिलेंगी। 7 फीट की हाइट तक आपको टाइल्स वगैरह लगा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। एक बाथरूम आपको फ्रंट में भी था, ये दूसरा बाथरूम है, तो इधर से आके देख लो बाथरूम का एक्सेस। ये दोनों तरफ से दरवाजे हैं दोनों बेडरूम में, तो आप इससे एक्सेस कर सकते हैं। एक जो बाथरूम था वो सामने की तरफ था, इसको भी आके देख लो। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सामने की तरफ ये इंडियन स्टाइल का पूरा बाथरूम, ये भी आपको मिल जाएगा। 7 फीट की हाइट तक इसमें आपको टाइल्स और सारी विंडो, वेंटिलेशन में कोई किसी तरीके की कमी नहीं, सारी एक्सेसरीज आपको लगा के मिलेंगी। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नीचे से आपने पूरा घर देखा है, ऊपर चल के एक बार घर देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे स्टेयर्स पे सारा मार्बल आपको लगा हुआ नज़र आ जाएगा। स्टील की ग्रिल आपको लगा करके यहाँ से वहाँ तक आपको पूरी मिलेगी। 2 BHK का घर है, 780 स्क्वायर फिट का ये घर आपको मिल जाएगा। क्वालिटी मैंने बताया बढ़िया क्वालिटी का है। यहाँ पे आप देखेंगे वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा जगह है, वेंटिलेशन बहुत बढ़िया है इस घर का। इधर आपका सारा स्टोरेज का, आप यहाँ पे आपकी स्टील की ग्रिल लग जाएगी, तो ये वाला एरिया जो है मुमटी के नीचे का, इसको आप स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरफ आके देखेंगे तो ये घर आपको सारा जो है पूरा पिलर्स पे बना हुआ आपको नज़र आ जाएगा। ये सारे आप देख सकते हैं पिलर्स आपको सारे नज़र आ जाएंगे, नज़दीक में पिलर हैं। आसपास की कॉलोनी देखिए, सारी कॉलोनी आपको डेवलप आपको नज़र आ जाएगी। आसपास में सारे घर इधर आप घुमा के दिखा दो, सारे घर आसपास में बने हुए आपको नज़र आ जाएंगे। इस तरीके की कॉलोनी, शहर के अंदर के ऐसे घर जनरली आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और राजाजीपुरम के आसपास में अगर आप इस साइज़ का 780 स्क्वायर फिट के, 800 स्क्वायर फिट के आसपास का घर खोज रहे हैं, तो ये घर आपके लिए बढ़िया होने वाला है। अगर फाइनेंस की बात करें तो इस घर पे आप 90% तक फाइनेंस करा सकते हैं, बशर्ते आपकी जो प्रोफाइल है उस तरीके की होनी चाहिए, तो आपका लोन हो जाएगा। कॉलोनी पूरी तरीके से डेवलप कॉलोनी में ये घर आपको मिल रहा है। आसपास में अगर बेसिक एम्यूनिटीज़ की बात करें, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, कॉलेज, जो भी इस तरीके की जितनी भी बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, सब आपको 500 मीटर के दायरे में आपको मिल जाएगी। आलमनगर रेलवे स्टेशन यहां से मात्र 500 मीटर की डिस्टेंस पे आपको आलमनगर रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। सारी जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं मैंने बताया, वो सारी आपको आसपास में आपको मिल जाएंगी। ये घर आपको नगर निगम एरिया में आता है, आलमनगर में आपको ये घर जो है आपको पड़ेगा। अगर अलग अलग जगहों से डिस्टेंस की बात करें तो चारबाग यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, एयरपोर्ट लगभग आपको यहाँ से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मिलेगा, आपको राजाजीपुरम यहाँ से मात्र 500 मीटर की डिस्टेंस पे है। अगर यहाँ से चौक की डिस्टेंस की बात करें तो लगभग आपको चौक जो है वो लगभग आपको 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको चौक भी पड़ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इधर आलमबाग की तरफ जाना है, इधर आपको अवध चौराहे की तरफ जाना है, या इधर आपको दुबग्गा की तरफ जाना है, बुद्धेश्वर की तरफ जाना है, आगरा एक्सप्रेस वे की तरफ जाना है, किसान पथ आउटर रिंग रोड की तरफ जाना है, शहर के अंदर में पुराने लखनऊ की तरफ या नए लखनऊ में किसी भी तरफ जाना है, तो आप बिजली बिल्कुल जा सकते हैं। जितने भी बड़े स्कूल नामी ग्रामी सारे लखनऊ के हैं, वो सारे आपको यहाँ सारे आपको मिल जाएंगे। राजाजीपुरम बिल्कुल पास में है, आलमनगर रेलवे स्टेशन बिल्कुल आपको पास में मिल रहा है। इस तरीके के घर, इस तरीके की क्वालिटी के घर, इस तरीके के लोकेशन के घर आप खोजते रहते हैं, लेकिन वैसे घर लखनऊ में अलग अलग लोकेशन पे आपको नहीं मिलते हैं। हमने बताया डिस्टेंस वाइज कहीं भी आना जाना हो आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। लोकेशन वाइज बहुत ही अच्छी लोकेशन के 780 स्क्वायर फिट के घर हैं। कॉलोनी आप देख लीजिए, कॉलोनी आपको बढ़िया कॉलोनी में ये सारे घर, हर तरफ आपको घर बने हुए नज़र आ जाएंगे।
ये कॉलोनी बहुत पुरानी डेवलप हुई कॉलोनी है, उसमें आपको ये घर आपको 780 स्क्वायर फीट का आपको मिल रहा है। अगर आपको इस पर्टिकुलर घर को देखने आना है तो देखने के लिए आ सकते हैं। हमारे पास लखनऊ में अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग एरियाज में बहुत सारे घर अलग अलग साइजेस के अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको इस घर को देखना है पर्टिकुलर तो इसको देखने के लिए आ सकते हैं, या आपका बजट कम है तो और भी घरों को देखने के लिए आ सकते हैं। हमारे पास अलग अलग बजट में बहुत सारे घर अवेलेबल आपको मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की, इस घर का प्राइस। तो इस घर का प्राइस पड़ेगा आपको 38 लाख रुपए। अगर आपको प्रॉपर्टी ग्रह के वीडियो पसंद आते हैं तो प्रॉपर्टी ग्रह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके बीच में इस तरीके के बेहतरीन बढ़िया खूबसूरत घर लखनऊ में अलग अलग लोकेशन के हम लेके आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना। थैंक यू सो मच।